हाय प्रिंट, आज वीडियो में बात करने वाला हूँ त्रिनिदाद टिटन ब्लास्ट के आज के तेरहवें मुकाबले की, जो होने वाला है BLD वर्सेस PBEC के बीच में शुरू होगा। इस मैच का फुल डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाना है क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर भी पिन पर मिल जाएगा। तो जैसे आप हमारे कमेंट पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, तो आपको टेलीग्राम को वहां से ज्वाइन कर लेना है। तो हम मैच की टाइम की बात कर ले तो आज रात 9:30 पर मैच शुरू होगा। वेदर की बात करें तो यहां पर 30% बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहां पर वेन्यू देख लेते तो सेम ग्राउंड पर मैच है। पिछली रिपोर्ट की बात करें तो पहले सरफेस है, एवरेज 80 से 100 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते तो यहाँ पर आप देख टोटल अब तक 12 मैच हो चुके हैं, 2 मैच जीते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 5 मैच में चेज हुए हैं, 5 मैच यहाँ पर नॉट रिजल्ट रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे BLD की टीम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मैच खेल के आ रही हैं, 1 मैच विन किया है, 1 मैच अभी तक ये हारी है। लास्ट मैच ओपनिंग की तेजवान कास्ट्रो ने और डेनियल विलियम्स ने। कास्ट्रो की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 20 दूसरे 5-0 विकेट गए थे। T10 की बात करें तो 10 मैच में 182 रन है और यहाँ पर 0 विकेट हैं, यानी अच्छा रिकॉर्ड रहा है बंदे का। आप मौका दे सकते हो क्योंकि आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दे देगा। यहाँ से आए डेनियल विलियम्स की तरफ, लास्ट मैच में देख सकते हो 21 और 2 रन की पारी खेली थी। T10 की बात करें तो अच्छा स्कोर है, 10 मैच में 147 रन, 18 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 41-9, 13-44 और 0 है, अच्छा तो आप मौका दे सकते हो। यहाँ से सजाद अली की तरफ, सजाद अली भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, 29 और 17 रन की अच्छी पारी खेली थी। T10 की बात करें तो 10 मैच में 81 रन है, 13 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में 4-7, 39-70 और 53 है। यहाँ से आ जाते हैं एवर्ड निकोलसन की तरफ, देख सकते हो 21 नॉट आउट और 47 नॉट आउट। T10 की बात करें 8 मैच में 140 रन है, 23 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में 25-21-33-0 और 8, यानी मौका दे सकते हो कि काफ़ी अच्छा इनका स्कोर रहा है। यहाँ से आए ब्रेंडन राम दियाल की तरफ, देख सकते हो दोनों मैच में फ्लॉप रहा था बंदा। T10 की बात करें तो 9 मैच में 102 रन है, 12 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म भी खास अच्छा है नहीं, तो ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ से जाते हैं रयाद अमृत की तरफ, देख सकते हो 1 विकेट और लास्ट में जो विकेट लेस रहा था, 10 रन बनाए थे, कन्फर्म बॉलिंग भी की थी। T10 की बात करें तो 34 मैच में 97 रन है, 33 विकेट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म आप काफ़ी अच्छी है बंदे की, 0 विकेट, 0 विकेट, 88 0 विकेट, 1 विकेट और 1 रन, 4 विकेट, यानी आप देख सकते हो आपको बॉलिंग से है ना अच्छे पॉइंट देने वाला है, तो मौका दे सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं स्टीपर केस्ट्रोपर की तरफ, तो देख सकते हो यहाँ पर ना 9 बैटिंग और लास्ट मैच में ना 3 नॉट आउट और 1 विकेट निकाला था। T20 की बात करें तो 5 मैच में 3 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट हैं। तो यहाँ पर आप मौका दे सकते हो। यहाँ से सेशन गैब्रियल की तरफ, देख सकते हो कन्फर्म 2-9 मैच में बॉलिंग की थी पर विकेट लेस रहा था, पर मौका दे सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोर है T20 में ना, 39 मैच में 32 विकेट है। रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, देख सकते हो रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, तो मौका दे देना है। यहाँ से आ जाए राकेश सी चरण की तरफ, देख सकते हो कन्फर्म ना 2 मैच में बॉलिंग की थी, पहले वाले मैच में 1 विकेट निकाल पाए थे, लास्ट मैच में विकेट लेस रहा था। डोमेस्टिक T20 में 6 मैच खेला था, 6 मैच में 6 विकेट हैं, पर देख सकते हो बॉलिंग काफ़ी है, 22 ओवर डाले थे जब जाके 6 विकेट मिला था। तो यहाँ पर आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ से स्टीफन सोलोमन की तरफ, देख सकते हो कन्फर्म हर मैच में बॉलिंग की थी, पहले मैच में 2 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट, T20 खेल के आ रहे हैं, 2 मैच में 3 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट हैं, तो मौका दे देना क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका स्कोर रहा है। यहाँ से आ जाते हैं ये स्वरूप नारायण की तरफ, देख सकते हो कन्फर्म बॉलिंग करता है, हर मैच में विकेट निकाल पा रहा है, 1 विकेट, 1 विकेट। डोमेस्टिक T20 की बात करें तो 2 मैच में 3 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट हैं। बेन चेमिस को खेलेगा, उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग को डालना चाहेंगे R. अमृत, S. गब्रियल और R. शिवचरण, और डेथ को डालना आ जाएंगे S. रूप नारायण, S. सुलेमन और K. रामचरण। तो डेथ के ओवर डालने आता है ना, जो भी क्लाइंट डेथ में वो डालता है ना, वो में से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ये दे देगा। तो हम दूसरी टीम PBC की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मैच खेल के आ रही हैं, 2 मैच हारी हैं, लास्ट मैच जो हमने की थी कजन होटल ने और एवन लुइस ने। होटल की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हो 12-14 रन की छिपारी खेली थी क्लब T20 के ना, 4 मैच में 88 रन है, 44 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, 27-24-34-54 और 12 है, तो मौका दे देना है। यहाँ से एवन लुइस की तरफ, देख सकते हो कन्फर्म 2 मैच में मौका मिला था, 1 में 0, 2 में 22 किए थे। T10 की बात कर 30 मैच में 790 है, 34 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में 74-10, 34-27 और 47, यानी अच्छा रिकॉर्ड रहा है बंदे का, आप मौका दे सकते हो। यहाँ से आया केडर ग्लासगो की तरफ, लास्ट मैच में ना देख सकते हो 14-13 रन की छिपारी खेली थी। T10 की बात करें तो 5 मैच में 17 रन है, 5 का एवरेज है, तो खास रिकॉर्ड बंदे का रहा नहीं है अब तक, तो ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करने आता है। यहाँ से आया एड्रियन कपूर की तरफ, देख सकते हो और मैच में ना
पहले मैच में एक किया था, दूसरे में 3 रन किया था, प्लस पर लास्ट मैच में बॉलिंग मिली थी ना, एक ओवर मिला था पर विकेट लेस रहा था। क्लब T20 के 3 मैच खेल चुका है, 2 विकेट इनके नाम है, 20 का एवरेज है, तो यहाँ पर आप इसे मौका दे भी सकते हो। यहाँ से आ जाते क्रिस्टोफर वेसेंट की तरफ, देख सकते हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले में 6, दूसरे में 30 किए थे, पर देख सकते हो कन्फर्म 2-2 ओवर डाल के ना एक एक विकेट इन्होंने निकाल लिया था। T10 की 12 मैच खेल चुका है, 11 विकेट हैं, 87 रन है, तो यहाँ पर आप इसे मौका दे सकते हो क्योंकि ना बॉलिंग बैटिंग दोनों ही पॉइंट दे देगा एक खिलाड़ी। यहाँ से आया जायडेन सिल्स की तरफ, देख सकते हो पहले में 20 नॉट आउट 1 विकेट, दूसरे में 2 रन 0 विकेट, कन्फर्म 2-2 ओवर डाले थे। पहले मैच में विकेट निकाल पाया था, लास्ट मैच में विकेट लेस रहा था। T10 की बात करें 4 मैच में 3 विकेट हैं, तो यहाँ पर आप मौका इसे दे सकते हो। एरिक ग्राशिया की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर 13 नॉट आउट 0 विकेट और 1 नॉट आउट 1 विकेट, तो यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड रहा है बंदे का। लास्ट मैच में विकेट निकाल पाया था, पहले में विकेट लेस रहा था, पर आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दे देगा। T10 की बात करें 10 मैच में 55 रन है, 3 विकेट हैं, रिसेंट वो में 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट हैं। यहाँ से आकिम चांडल की तरफ, देख सकते हो हर मैच में बॉलिंग कर रहा है बंदा, लास्ट के मैच में विकेट निकाल पाया था, पहले वाले मैच में विकेट लेस रहा था। ओडी की बात करें तो 4 मैच में 2 विकेट इनके नाम है। यहाँ से आया रमेश ब्रजलाल की तरफ, देख सकते हो हर मैच में कन्फर्म 1-1 ओवर मिला था पर विकेट ले रहा था। क्लब T20 के 3 मैच खेल के आ रहे हैं, 29 रन है, 2 विकेट हैं, रिसेंट वो में 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट हैं। यहाँ से आ जाते हैं विकास राम प्रसाद की तरफ, कन्फर्म बॉलिंग की थी पर विकेट लेस जा रहा है। T20 की बात करें तो 2 मैच में 81 रन है, 3 विकेट हैं, रिसेंट वो में 2 विकेट और 78 1 विकेट थी, यानी अच्छा मौका दे सकते हो। यहाँ से आया डेमियन सिंह की तरफ, लास्ट मैच में देख सकते हो 4 और 9 बैटिंग, बेंच में कोई खेलेगा उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग को डालने आ जाएंगे जेसेल्स और वे राम प्रसाद ई ग्राशिया, डेथ को डालने आ जाएंगे ये चांडलर और सी पेशेंट। जो डेथ के वो डालने आता है वो हमेशा आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ये दे देगा। तो वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाना है क्योंकि वहाँ पर आपका अपडेट उस फाइनल टीम और प्लेइंग लेने मिलने वाले। पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर भी पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो आपको डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर अपने विकेट कीपिंग सेक्शन से करने वाला डेनियल विलियम्स को, और यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से करने वाला हूँ इलिवाइज को, एस आजाद अली को, के ओटोई को, और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से करने वाला हूँ सी विसेंट को और टी कास्ट्रो को, और यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से करने वाला हूँ जे सेल्स को, आर इमरित को, एस गब्रियल को, और इराक ग्राशिया को, और एस सोलेमन को, और यहाँ पर मैं कैप्टन करने वाला हूँ इलिवाइज को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ सी विसेंट को। पर ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपका अपडेट उस प्लेइंग 11 जो भी कुछ चेंजेस होगा वो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां पर आपका अपडेट उस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 लेने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहां पर आप कमेंट करते हो वहां पर भी पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे आप हमारे कमेंट पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां पर आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और पहले से कमेंट कर देना है फ्रेंड। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।